हरिदासपुर नाम गोटे गाँ थिला। सेठारे रामु आउ शंभु नाम दुई भाई रहुथिले। घरे से दुई भाई को सह तांका मां मध्य रहुथिले। बड़ भाई रामु बहुत लोभी, सान भाई शंभु किंतु तार विपरीत। से परोपकारी ओ बुद्धिमान। रामु शंभु को कहिला, आज पर्यंत मु तोर सब काम करिछि, विपद आपदरे मु मोर कर्तव्य करिछि, किंतु एबे मु आउ ए सब करि परिबिनि, तू ए घर छाडी के चली जा। ए कथा सुनी शंभु बहुत मन दुख कला, आउ ताकु खराब मध्य लागिला। आउ एक कथा शंभु जाई ता मां को कहिला, मां रामु भाई मते कहि जंती से आउ मोर दायित्व नै परिबिनि, आउ हां एमिति भी कहि जंती मु घर छड़ी चली जाए। शंभु ठारु एक कथा सुनी मां रामु उपरे बहुत रागिले। आउ शंभु को कहिले, जदि बड़ पुओ रामु तते पोसी परिबनी ताहले मते केमिति पड़िबो, मु भी तो सहित जीवी। एहा कहि मां मध्य शंभु सहित घर छड़ी चली गले। जाऊ जाऊ गोटे पहाड़िया अंचलर मधुपुर ग्राम रे पहुंचले। आउ सेठारे गोटे छोट कुड़िया तैयारी करी रहिले। ता पर दिन सकाळु शंभु काठ आणिबा पई जंगल को गला। आउ ता परे शंभु सेई काठ गुड़ी को बिक्री करी टंका आणिला। मधुपुर गाँव रे से माने नुआ रहुथिले, सेथि पई शंभु को जणा नथिला पहाड़ उपरे गोटे सिंहर मूर्ति अछि। मधुपुर गाँव रोक मैंने किंतु से सिंहर मूर्ति थिबा पहाड़ उपर को जानती कहीं से सिंह मनीष को देखिले खाई दूथिला। किंतु शंभु एक कथा न जानी से पहाड़ रु प्रत्येक दिन काठ काटी आणुथिला। थरे जेतेबेले शंभु मध्यान भोजन आरंभ करने को जाऊथिला से गोटे सिंहर मूर्ति देखिला। आउ भाबिला से सिंहर मूर्ति को लोक माने पूजा करूथिबे बोधुए। एक कथा भाबी शंभु से सिंह मूर्ति आगे हाथ जोड़ी प्रार्थना करने को लगिला। आउ तापरे भोजन कला, किंतु से जानी नथिला ए सिंह मूर्ति को गाँव लोक माने भूत बोली मानती। हठात सिंहर मूर्ति तार मुह खोलिला आउ पचारिला, एहा सुनी शंभु खाइबा छाड़ी डरिबा को लगिला। शंभु भाबिला, बोधे ये जने ठाकुरानी देवी मां, मो बड़ भाई मते आउ मो मारो दायित्व नबा को चाहो नथिले, सेथि पई से आमो को घरु बाहर करी देले, मो ए गा को नुआ करी आसी छी, आ मते भी से खाइबा दे, तू जा खाउ छु। शंभु शीघ्र शीघ्र खाउथिबा खाद्य नै सिंह मूर्ति आगरे रखी देला। खाद्य खाई सिंह बहुत खुशी हे गला। आउ से कहिला, काली तू पुणी थरे मो पाई खाई बनी के आसीबो, बुझिलु। शंभु काठ बिक्री करी जहां टंका पाई थिला सेई टंका रे खाद्य सामग्री आनी घरे ता मां को देला। आउ कहिले, एई जिनिसरु खाइबा बनी दियो, मो काली पहाड़ रे रहुथिबा देवी का पाई नै छिबी। एहा सुनी मां डरी गले, अरे पुओ सी निहाति भुकिला भुतुणी हेथिबो, जहा कथा ए गाँव लोक माने कुहंती। सुन रे बापा, काली ठु तू आउ काठ आनिबा पई जिबुनु। शंभुता मां को कहिला, ना मां तुमे जहा सुनी छ तहा सत्य नुहे, सी ए गोटे भल्ला सिंह। परदिन सकाळु सकाळु शंभु खाद्य थिबा टोकेई नै सीधा जाई पहुंचिला सिंहर मूर्ति पाखरे। आउ मूर्ति आगरे हाथ जोड़ी कहिला, भोजन पहुंची गला, ग्रहण करंतु। ता परे सिंह निज मुह खोलिला आउ कहिला, आ मा मुहारे दियो खाद्य। शंभु गोटी गोटी करी सब खाद्य को सिंह पाटी रे देला। सिंह खाई सारी कहिला, खाली टोकीटा मध्य मो पाटी रे दे, मु ताकू सुनारी भट्टी करी देबी, आउ जते बले टोकी रे सुन्ना भट्टी हेई जिवो तू सते बले कहिबू बंद कर। सिंहर कथा सुनी शंभु खाली टोकी मध्य ता पाटी रे रखी देला। आउ तुरंत सिंह मुहरु सुनार मुद्रा बाहरिला। एहा देखी शंभुर खुशी कहिले न सरे, जेमिति टोकी भर्ती हेई गला। शंभु जोरे चित्कार कला, कहिला बंद कर। हठात सुना मुद्रा बर्सिबा बंद हेई गला।
शंभु सिंहर मूर्ति को धन्यवाद देला आउ सुना मुद्रा टोके घर को गला। एते सुना मुद्रा देखी प्रथमे ता माँ चिंता करिबा को लागिले, किंतु शंभु ठारु सब कथा सुनी से शंभु उपरे बहुत खुशी हेले। शंभु आउ ता माँ से सुना मुद्रा द्वारा गोटे सुंदर घर बनेले, चासो पाई जागा किणिले। शंभु आउ ता माँ खूब खुशी रे रहिले। एक कथा रामो मध्य जानी परिला कि तार सान भाई धनी हे गलानी। एक कथा जानी रामो निज स्त्री को नहीं शंभु घर को गला। शंभु निज बड़ भाई रामो आउता भाउजों को स्वागत बहुत खुशी रे कला। ये तो देवी मां का कृपा, से सिंह को खाद्य देली बोली से मते सुना मुद्रा देले। रामुर स्त्री एक कथा सुनी सारिला परे भाबिला ए सुजग को मो हाथ छड़ा करिबिनी। रामुर स्त्री मध्य गोटे टोके भर्ती करे भोजन निज स्वामी रामो को नहीं देला आउ से सिंहर मूर्ति पाखकु जीवा को कहिला। रामु जाई पहुंचिला से सिंहर मूर्ति आगरे। ओय सिंहर मूर्ति, मु तते खुएबा पाई खाद्य आनिची, एहा को स्वीकार कर आउ मते आशीर्वाद दे। सिंहर मूर्ति निजर मुह खोलिला आउ रामु को कहिला ए सब खाद्य मो पाटी रे दियो। सबु खाद्य खाई सल्ला परे सिंहर मूर्ति कहिला एबे खाली टुके मो पाटी रे रख, मु ताको सोना मुद्रा रे भर्ती करि देबी, जेमिति भरि जेबो तू कहिबो रही जाओ, गोटी भी मुद्रा जदि बाहर को बाहरे बहुत खराब होबा। सुनार मुद्रा कथा सुनी रामू बहुत खुशी हे गला आउ रामू तुरंत टोके को नै सिंह मुहरे रखी देला। सिंह मुहरु सुना मुद्रा बाहर हवा को लागिला आउ टोके भर्ती होथाय। रामू बहुत लोभी थिला, टोके भर्ती हवा परे भी से सिंह मूर्ति को पाटी बंद करबा को कहु नथाय। किछि सुना मुद्रा टोकेरो बाहर को बाहरी पड़िला, तुरंत सुना मुद्रा भी सिंह मूर्ति रु आसीबा बंद हे गला। एहा देखी रामू दुखी हे गला आउ कहिला सुना मुद्रा आसीबा कोन पाई बंद हे गला। सिंह कहिला गोटे सोनार मुद्रा मो मुहरे अटकी जाई छी, एहा को तू हाथ रे बाहर करी दे। सिंह कथा सुनी रामू किछि न भाबी निज हाथ सिंह मूर्ति पाटी रे पुरेई देला। तुरंत सिंह निजर पाटी बंद करी देला आउ रामुर हाथ ता पाटी रे रही गला। रामु बहुत चेष्टा कला किंतु सिंह पाटी रु निज हाथ को बाहर करी पाला नहीं। टोके रे थिबा समस्त सुना मुद्रा मध्य पत्थर रे परिणत हे गला। रामु घर को न फेरी परु ता स्त्री बहुत चिंतित हे गला आउ से जाई पहुंचिला सिंहर मूर्ति पाखरे। निज स्वामी को एमिति अवस्था रे देखी से कांदीबा को लागिला। रामु ता स्त्री को सब कथा कहिला मो स्वामी को छाड़े दियो, से बहुत बड़ा भूल करे जंती। रामुर स्त्री कथा सुनी सिंह को दया आसिला आउ ता पाटी खोलिला। तुरंत रामु ता हाथ को बाहर करि नेला सिंह मुहरु। लोभी मनीष, रामु आउ ता स्त्री सिंहर पूरा कथा न सुनी तुरंत घर को दौड़िले। सेथि पई कह जाय अति लोभ मृत्युर कारण। हरिदासपुर नामरे गोटे गाँ थिला, सेठारे रामु आउ शंभु नामरे दुई भाई रहुथिले। घरे से दुई भाईंक सह तांक मां मध्य रहुथिले। बड़ भाई रामु बहुत लोभी, सान भाई शंभु किंतु तार विपरीत, से परोपकारी ओ बुद्धिमान। रामु शंभु को कहिला आजि पर्यंत मु तोरो सब काम करिछि, विपद आपदरे मु मोर कर्तव्य करिछि, किंतु एबे मु आउ ए सब करि परिबिनि, तू ए घर छाडी के चली जा। एक कथा सुनी शंभु बहुत मन दुख कला आउ ताको खराब मध्य लागिला आउ एक कथा शंभु जई ता मां को कहिला मां, रामो भाई मते कहि जंति से आउ मोर दायित्व नै परिबिनि, आउ हां एमिति बे कहि जंति मु घर छाडी चली जाए। शंभु ठारु एक कथा सुनी मां रामु उपरे बहुत रागिले आउ शंभु को कहिले जदि बड़ पुओ रामु तते पोसी पारिबनी ताहले मते केमिति पड़िबो, मु भी तो सहित जेबी। एहा कहि मां मध्य शंभु सहित घर छाडी चली गले। जाउ जाउ गोटे पहाड़िया अंचलर मधुपुर ग्राम रे पहुंचिले आउ सेठारे गोटे छोटो कुड़िया तयारी करी रहिले।
ता पर दिन सकाळु शंभु काठ आणिबा पई जंगल को गला आउ ता परे शंभु सेई काठ गुड़ी को बिक्री करी टंका आणिला। मधुपुर गांरी से माने नुआ रहुथिले सेथि पई शंभु को जणा नथिला पहाड़ उपरे गोटे सिंहर मूर्ति अछि। मधुपुर गांर लोक माने किंतु सेई सिंहर मूर्ति थिबा पहाड़ उपर को जानतिनी काहेकि ना सेई सिंह मनीष को देखिले खाई दउथिला। किंतु शंभु एक कथा न जानी से पहाड़ रु प्रत्येक दिन काठ काटी आणुथिला।